दोस्तों, जंगल कितने खतरनाक होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। जंगल में खतरनाक और खूबसूरत जीवों का वास होता है। जंगल दिखने में भले ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन यहाँ खतरे भी तमाम होते हैं, जिसकी वजह से इंसानों का जंगल में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जंगल के खूंखार जीव इंसान को पल भर में ही मार सकते हैं। जंगल के इन्हीं अनजान खतरों की वजह से जंगल को भयानक माना जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो 41 सालों तक जंगल में फंसा रहा, यहाँ तक कि ये सही सलामत भी बचकर बाहर निकल पाया। ये कहानी है हो वान की, जो अमेरिका और वियतनाम युद्ध में फंस गया था। ये आदमी सन 1973 में वियतनाम के घने जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। बात है सन 1973 की, जब अमेरिकी सेना के बॉम्बर जहाजों ने वियतनाम के गांवों पर बमबारी की थी। इस बमबारी में हो वान का परिवार मारा गया था, बस एक छोटा बेटा बचा था। मौत के डर से हो वान अपने छोटे बेटे के साथ वियतनाम के घने जंगलों में चला गया। जंगल में 41 साल बिताने वाले हो वान ने यहाँ जीने के लिए कई तरह की सर्वाइवल टेक्निक्स ईजाद की थी, ताकि जंगल में खुद को जीवित रख सके। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी वो जंगलों में ही फंसा रहा। हो वान बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका था। वो नहीं जानता था कि बाहर की दुनिया में अब भी युद्ध चल रहा है या नहीं। हो वान का बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, और यहाँ तक कि हो वान जंगल के साथ इस तरह से घुल मिल गया था कि उसने वहाँ जीने के लिए सभी संसाधन जमा कर लिए थे। जंगल में भागने के बाद हो वान को जंगल में रहने पर बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि फूड और यहाँ तक कि सरवाइव करने में। लेकिन इसके बावजूद हो वान ने जंगल में रहने के दौरान आग जलाना, फिशिंग, हंटिंग और पत्तों से कपड़े भी बना लिए थे। जंगल की दुनिया के साथ हो वान ने ऐसा तालमेल बना लिया था जैसा बाहर की दुनिया में इंसान रहता है। यहाँ तक कि हो वान अपनी खुद की भाषा भी बोलना भूल चुका था। हो वान को जंगल में अपने अलावा कोई इंसान भी नहीं दिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में भी चला गया था। उसे बस आसमान में मंडराते प्लेन्स दिखाई देते थे, जिसकी वजह से उसको लगता था कि शायद वॉर अब भी जारी है। हो वान टाइम के बारे में भी नहीं जानता था, वो केवल सनलाइट से ही दिन और रात का आइडिया लगा सकता था। इतने साल जंगलों में गुजारने के दौरान हो वान ने अपना चेहरा तक नहीं देखा था। हो वान के बारे में तब पता चलता है जब गांव के कुछ लोग लकड़ी लेने के लिए जंगल में ज़्यादा दूर निकल जाते हैं। वहां गांव के लोगों ने बताया कि एक आदमी जंगल के अंदर रहता है, जिसका घर पेड़ पर लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर बना है, और वो इंसान पूरी तरह से जंगली दिखाई देता है। जहां हो वान रहता था वो जगह पहाड़ों से बिल्कुल घिरी हुई थी, जिसकी वजह से हो वान को दूर दराज की जगह नहीं दिखाई देती थी, ना ही वापसी का रास्ता। अपने आप को जिंदा रखने के लिए हो वान ने पेड़ के ऊपर घर बनाया था। घर के नीचे नुकीले बांस भी रखे हुए थे, ताकि शिकारी जानवर उससे दूर रहें। इतने साल जंगल में हो वान ने जंगली फल और सब्जी और यहाँ तक कि रॉ मांस भी खाया था। यहाँ तक कि इस इंसान ने चमगादड़ और कीड़े भी खाए थे। इतने साल जंगल में बिताने के बाद हो वान पूरी तरह से जंगली बन चुका था। लेकिन आखिर हो वान को जंगल से 41 साल बाद रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसके बाद हो वान नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपने गाँव में रहने लगा। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ उसके लिए खतरा बन चुकी थी। गांव में रहते हुए हो वान बहुत बीमार पड़ चुका था। उसको जो फूड खाने की आदत थी अब वो उसको नहीं मिल रहा था, साथ ही अब वो सोशल भी नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस रहने लगा। जंगल में हो वान अकेले अपने बेटे के साथ रहता था, लेकिन अब गाँव में सैकड़ों लोगों के साथ वो नहीं रह पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हो वान ने सोशल कल्चर को भी अपना लिया था। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा था। 41 साल जंगल में बिताने के बाद हो वान अपनी पूरी तरह से भाषा भूल चुका था, और बोलने की आदत भी खत्म हो गई थी। इसके बावजूद वो पूरी तरह सोशल होने की कोशिश में लगा हुआ था। हो वान आज भी अपनी आजीविका चलाने के लिए जंगल पर निर्भर है। वो जंगल से कई तरह के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ लाकर बेचता है, जिससे उसका घर भी चलता है। अब हो वान अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही बिताता है। इतने साल जंगल में बिताने के बाद हो वान के लिए बहुत सी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं,
जैसे कि रहन सहन और कपड़े। जंगल में रहने के दौरान होवान ने पत्तों के कपड़े पहने थे, अब उसके लिए ये कपड़े बिल्कुल ही नए रह चुके हैं। होवान अब वियतनाम का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है, लेकिन जंगल में 41 साल बिताने के बाद होवान अब पूरी तरह से टारजन बन चुका है, और ये है भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।